महा कार्टून टीवी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बारिश के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी खिलौनों की बारिश के बारे में सुना है? क्या कहा आपने? सपनों में देखा है? तो चलो, आज हम आपको सच में खिलौनों की बारिश की कहानी सुनाएंगे, परी और खिलौनों की बारिश। करमपुरा नाम का एक गांव था। वहां के लोग काफी गरीब थे। वहां लोगों के पास ठीक से खाने को पैसे तक नहीं थे। जैसे तैसे करके सभी अपना गुजारा कर रहे थे, जिससे परेशान होकर सभी ने एक दूसरे से बात करना सही समझा। कितने सालों से हम सभी गरीबी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। हाँ राजू भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चे भी अब बड़े होते जा रहे हैं, अब इनका खर्चा भी तो देखो कितना बढ़ गया है। अपनी गरीबी के चलते हम वो भी पूरा नहीं कर सकते। अरे मेरे बच्चे का तो कच्चा ही फट गया, अब तो वो फटा हुआ कच्चा पहन कर ही घूम रहा है। हाँ नहीं तो कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। अरे नहीं नहीं, मैंने एक उपाय सोचा है, अब मैं इसमें थोड़ा कपड़ा लगा कर सील दूंगी। अरे शोभा बहन, राजू भाई कच्चे की बात नहीं कर रहे। तो अरे वो कह रहे हैं कि इस परिस्थिति का कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। बहन वो भी अपने गांव के हालत देखकर यहां से चला ही जाएगा। क्यों ना पास वाले गांव के सेठ से मदद मांगे। ना बाबा ना, वो सेठ तो एक नंबर का खड़ूस और लालची है। अगर उसके पास गए तो कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए। पर बहन हमारे पास रास्ता ही क्या है, वहाँ जाकर देखते हैं, क्या पता कोई मदद मिल जाए। एक बार जाकर मिलने में हर्ज ही क्या है, चलो चलकर देख लेते हैं, पर एक शर्त पर। मैं जीती तो क्या दोगे? अरे शोभा, तुम बोलो राजू। शोभा जी को बोलो कि अपनी बुद्धि का प्रयोग वहाँ पर कम करें और बस शांत रहें। अब तो मैं ही जीतूंगी। ठीक है, मैंने समझा दूंगी। सभी पास के गांव के सेठ से मिलने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन होते ही सभी दूसरे गांव के लिए निकल गए और थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गए। सेठ जी अंदर है क्या? कौन हो तुम लोग? अरे हम तो पास के गांव से आए हैं। अच्छा, उस फटीचर गांव से आप यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, क्या आप हमें कुछ उधार दे सकते हैं? हमारे माथे पर क्या चपड़ गंजू लिखा है? नहीं नहीं, लिखा तो नहीं है, पर आपने लिखवाया था क्या? अरे ये क्या बोल रही हो? दिमाग कम है इसका पता होने के बाद कम से कम चुप तो रहा करो। ए लो, कर लो बात, मैंने अब ऐसा क्या बोल दिया? ए औरत, दिमाग खराब है क्या तेरा? सेठ जी माफ कर दो, ये ऐसे ही बोलती है। बोलो, यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? सेठ जी, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्या आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं? हमने क्या तोहार गांव वालों का ठेका ले रखा है? नहीं नहीं सेठ जी, बस आप हमारी मदद कर दो, हमें अभी पैसों की जरूरत है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनकी जरूरतें भी, अगर आप थोड़ी सी मदद कर दो तो हम अपने बच्चों की परवरिश ठीक से कर पाएंगे। पर इसके बदले हमें क्या मिलेगा? हमारे पास तो कुछ भी देने को नहीं है सेठ जी। पर हम तुम्हें पैसे क्यों दें? जी हमारे पास सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक ही शर्त पे पैसे दूंगा। वो तो मैं ही जीतूंगी। तू पागल है क्या? क्या बोलती रहती है तू? चुप हो जाओ शोभा, सेठ जी आप बोली। यही कि तुम सभी को आकर मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। प,
पर आपका खेत तो हमारे गांव से दूर है ना? अरे तो ठीक है, तुम पैसा भूल जाओ। नहीं नहीं सेठ जी, हम काम करने आएंगे, कल से ही काम शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया। सभी वहां से अपने गांव की तरफ निकल गए और रास्ते में राजू ने आरती से पूछा, तुमने वहां तो हाँ बोल दिया, पर हम इतनी दूर कैसे आ जा पाएंगे? हम एक साथ नहीं जाया करेंगे, घर के आदमी और औरत मिलकर ये काम संभालेंगे। एक दिन घर की औरत और अगले दिन घर के आदमी खेतों का काम संभालेंगे। अरे तुम तो एकदम दिमाग वाली हो, शर्त तो तुम्हें जीतोगी। बस बहनों, कुछ समय की बात है, बुरा समय आया है तो आता रहे, हमें बस मन लगाकर काम करते रहना चाहिए। सभी ने जी जान लगाकर सेठ के खेतों में काम किया। महीने के आखिरी दिन में सभी सेठ के पास गए। सेठ जी, हमारे पैसे दे दीजिए। ए मुनीम, सभी को पैसा दे दो। सो, 150, अब ये तो बहुत कम है। हाँ, तो अपना खजाना उड़ाकर तुम सबको दे दूं, हाँ? पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि आप हमारी मदद करेंगे। तुम सभी को काम दे दिया, अब इससे ज्यादा मैं कोई मदद नहीं कर सकता। पर ये रकम तो बहुत कम है। लेना है तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ। अरे रे 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 रे, बेचारे गांव वालों को सेठ ने मूर्ख बना दिया, अपना काम भी निकलवा लिया और उन्हें पूरे पैसे तक नहीं दिए। वहीं पास से एक परी गुजर रही थी, जिसने सेठ और बेबस गांव वालों की बातें सुन ली। ये देखकर उस परी को बहुत बुरा लगा, जिसके बाद घर जा रहे सभी गांव वालों का उसने पीछा करना शुरू कर दिया। उस सेठ ने हमारा इस्तेमाल किया है। अरे मोरी मैया, जाको मतलब हम शर्त हार गए। ओहो, हमारे साथ धोखा हुआ है। तभी वहाँ परी आ गई। अब आपको इंसाफ मिलेगा। परी? हाँ मैं, और मैंने आप सभी की सारी बातें सुन ली है। मैं यहाँ आप सबकी मदद करने आई हूँ। पर वो आप कैसे करेंगी? मैं परी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हम तो बस अपने बच्चों की खुशी ही चाहते हैं, उन्हें वो हर चीज देना चाहते हैं जो वो हमसे मांगते हैं। सब दे पाओगे, अब देखो मैं क्या क्या करती हूँ। आब्राकडाब्रा, किली किली छू। ये क्या है? ये उस लालची का खजाना है। अब तुम सब इसे आपस में बांट लो और जिंदगी खुशी खुशी बिताओ। उस लालची को गरीबों का पैसा मारने की सजा मिल गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैं इस गांव के बच्चों को एक तोहफा अपनी तरफ से भी देना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। उस दिन से गांव वालों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ सेठ का हाल बहुत बुरा था। हे भगवान, मेरे जीवन भर की पूंजी कहाँ चली गई? मैं तो बर्बाद हो गया। हेलो फ्रेंड्स, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।